मॉर्निंग फ्रेंड्स, मम्मी पूजा कर ली है। देखिए भगवान जी कितना सुंदर लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का हम थोड़ा लेट से जागे हैं। कल मेला में जो घूमे नहीं, पैर थक गया, पूरा पैर दर्द कर गया, इसीलिए 5:23 में जगे थे। कहाँ से काम जल्दी होगा, आज लेट लेट से काम हो रहा। काम तो हो गया 7 बजे तक, अभी बेटी घर पहुँच रही है। हम भिंडी फ्राई करें नाश्ता के लिए, पूजा कर लिए। देखिए इसको घुमा के ले आए हैं, मम्मी पूजा कर ली है। हम अपना कल का सामान सब अभी थोड़ा सजा देंगे, क्योंकि कल रात को लेट हो गया तो पसे थक भी गए थे, नहीं सजाया सबको, अभी ठीक से रख देंगे सबको। देखिए इसको सजा लिए, अच्छा से सजाते हैं, फिर पहनते हैं ना तो बिगड़ जाता है उस टाइम, और उसको सजाते नहीं हम। सजा लिए अच्छा से, अब रख देंगे सबको, बाहर रखेंगे तो गंदा हो जाएगा। भिंडी फ्राई और रोटी पराठा हुआ था, नाश्ता हो गया है। नाश्ता करके बेटी बर्तन धो ली है, और ऊपर से हम अभी सब्जी बना रहे हैं। बहुत गर्मी, रात को कल इतना बारिश हुआ तभी भी बहुत गर्मी है। आलू परवल और मछली का कढ़ी बना रहे हैं, और उधर करेला कट के, करेला बैंगन आलू दे के चचड़ी बनाएंगे सब्जी। लेट से उठने से ना काम भी थोड़ा लेट से होता है, जल्दी उठिए जल्दी से काम होता है। क्या करेंगे, थोड़ा थक गए थे कल ये मेला में घूम घाम के, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया आज उठने में। सब्जी बन के तैयार हो गया, चावल चढ़ाए हैं, आलू परवल मछली का करी बनाए हैं, और आलू करेला बैगन दे के मछली मुंडी नहीं था, मछली का मतलब पीस पीस दे के उसको चचड़ी बनाए। हम लोग चचड़ी बोलते हैं, सब्जी बनाए हैं। आज का मेनू यही है, टेस्टी टेस्टी सब्जी, चावल चढ़ाए उधर। देखिए बारिश हो रहा है, आज का मौसम थोड़ा अच्छा है, गर्मी है लेकिन तब भी बारिश हो रहा है। तब पर भी कल भी तो बहुत बारिश हुआ था, तब भी बहुत गर्मी है, धीमे धीमे बारिश हो रहा, उतना जोर से नहीं। दो डॉगी खा रहा है, हम लोग लंच कर लिए। पतलू नहीं खाया, भाग गया बाहर, बड़ी बनवासी कर भाग गया। देखिए बारिश गिर रहा था सुबह, अभी धूप निकला, धूप इधर उतना पानी नहीं होता। पहले वो खाने दीजिए, हम जा रहे बर्तन धोएंगे। लंच करने का बाद माँ बेटी लेटे थे, सोए नहीं थे। बेटी बोले कब सोए थे, हम बोले हम मेरा बात तो पूरा सुनो, सोए कहाँ हम लोग। हाँ, लंच किए 3 बजे, क्योंकि लेट हो गया, बहुत कपड़ा था, कपड़ा सब धो करके जब तक लंच किए 3 बज गया था। 3 बजने के बाद और ना लंच करने मन करता ना सोने मन करता, तभी भी भूख लगा था, लंच किए लेकिन सोए नहीं थे। माँ बेटी लूडो खेले थे, बात कर रहे थे, लूडो खेले हम ही जीते, बेटी हार गया। कल भी खेले थे हम लोग, हम ये वो हार गया, ये देखिए हंसो हंसो। फिर आज भी हम जीते हैं, जा रहे हैं रोटी बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा बेटा के लिए रोटी बनाएंगे, 2-4 पीस, और बाकी हम लोग माँ बेटी मूढ़ी खाएंगे। बेटा को बोले हैं आलू चप लाने के लिए, वो आलू चप लाएगा। दिन का सब्जी है वो लंच नहीं किया, वो रोटी उसी में डिनर कर लेगा। आज रोटी बनाने मन नहीं है, तभी बना रहे हैं। बोले आज रोटी बनाने को मन नहीं, थोड़ा सा बनाने बोले, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, बोली भींग रही है जो इसीलिए, और ऊपर से उसका आँख भी थोड़ा दर्द है बोल रहा। एक तो आँख का नीचे का हिस्सा पूरा मतलब थोड़ा सा दर्द है, और फूल भी गया है, इसीलिए उसको दिक्कत है। आटा सानने हम थोड़ा सा बनाएगी। डिनर हो गया, बर्तन भी धो लिए हैं, टॉफी मेरा घूम के आया, पतलू का भी तबीयत खराब है, कल से नहीं खाया है पतलू, और क्या हो रहा तेरा समझ में भी नहीं आ रहा,
अभी बर्तन धो लिए, पानी छत के ऊपर देंगे क्या? नहीं, थोड़ा बहुत तो रिमझिम बारिश हो रहा था दिन में, इसलिए पेड़ पौधा में पानी देने का जरूरी नहीं है। थोड़ा आराम करते हैं, बैठे हैं, जल्दी से काम खत्म हो जाना, थोड़ा बैठने मिलता है, टीवी देखने मन नहीं करता। आज हम लोग 3-4 महीने से टीवी नहीं देखते हैं, माँ बेटी बिल्कुल में कोई भी टीवी नहीं देखता आजकल। थोड़ा मन होता तो न्यूज व्यूज देख लेते हैं, मोबाइल में टीवी बिल्कुल देखने मन नहीं करता है। जब से हम लोग आए दीदी के घर से तब से टीवी, तभी से ना समा तभी से हम लोग टीवी नहीं देखते हैं, और बाकी काम कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए घूम रहे हैं, यूट्यूब के लिए ही हम लोग डांस कर रहे हैं, कुछ मतलब जो भी कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, लेकिन और बाकी कुछ कर, जैसे हम लोग यूट्यूब नहीं खोलते ना, हम लोग कुछ नहीं करते, पूरा एकदम धीमी सा हो जाते, हम लोग का गति पूरा धीमी हो जाता, लेकिन यूट्यूब के लिए ही हम लोग नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, फिर कहीं घूमने भी जा रहे हैं, और लेकिन घर में टीवी नहीं देखते हैं हम लोग, क्या करेंगे, टीवी देखने ही मन नहीं करता है। मेरा समझ में नहीं आ रहा, मेरा ब्लॉग का व्यूज बढ़ जा रहा है फिर कम जा रहा है, मेरा सब्सक्राइब बढ़ जा रहा है फिर घट जा रहा है, ऐसे क्यों है रहा, क्यों हो रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हम किसी को पूछते भी नहीं है कहाँ ऐसा क्यों हो रहा, गुस्सा भी लगता है, ब्लॉग करने मन नहीं करता, क्योंकि कोई चीज़ बढ़ जाने का बात घट जाता है, जब नहीं छोड़े थे उस टाइम, हम पहले ब्लॉग में भी ये बात बोल चुके हैं, जब नहीं छोड़े थे 1 महीना उस टाइम घट जाता था, कोई बात नहीं, अब भी जो घट जा रहा है, रोज छोड़ रहे हैं हम, ब्लॉग भी छोड़ रहे हैं, शॉर्ट वाला ये भी छोड़ रहे हैं ना सोमा, दोनों ही छोड़ रहे हैं, तभी भी मेरा व्यूज कभी बहुत ज़्यादा दिखता, फिर वहाँ से घटते घटते घट जाता है, फिर सब्सक्राइब भी हो रहा हुई बात, लाइक भी हो रहा हुई बात, क्यों हो रहा हमको समझ में नहीं आ रहा। हम लोग को यूट्यूब वाला क्यों चाहते नहीं हैं, हम लोग आगे बढ़े हैं, हम लोग का साथ क्यों इसे कर रहे हैं, कर रहे हैं भी उसका कारण बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं है, मेरा शॉर्ट वाला ब्लॉग तो ठीक है, वो भी कभी हाई हो जा रहा फिर लो हो जा रहा, क्यों हो रहा समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए कभी कभी ना मन पूरा दुर्बल हो जाता, जैसे नहीं करें क्यों करें, इतना मेहनत करके हम लोग धूप में जाके छत का ऊपर इतना कष्ट से ब्लॉग बनाते हैं, फिर अपने काम करते करते जो सब जितना मेरा को करने का अंदाज है उसी हिसाब से हम करते हैं। मेरा ब्लॉग अच्छा बोल के हम ये बात नहीं बोल रहे, तभी भी तो जितना सब्सक्राइब है उसी का हिसाब से, इतना सब्सक्राइब वाला नहीं देखे, कुछ तो देखेंगे ना, तो वही इसीलिए हम बोल रहे मेरा साथ क्यों ऐसा हो रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप लोग किसी का साथ ऐसा हो रहा तो आप लोग बता सकते हैं, क्या करें हम, तब जाके मेरा सब कुछ सुधरेगा। मन थोड़ा दुखी, बेटी बोलता मत करिए मम्मी, इतना कर रहे हैं तभी भी मेरा बढ़ जा रहा फिर घट जा रहा, ठीक है नहीं बढ़े तो नहीं, वो बात अलग बात है, बढ़ के घटना बड़ी थोड़ा लगता है, जैसे बच्चा कोई पास हो गया क्लास में, उठ गया क्लास में जाके फिर इसका कॉपी किताब खरीद लिए, फिर वो क्लास करने लगा, फिर उसको नीचे क्लास में दे देंगे तो बच्चा को कैसे लगता है, वही है हम ही लोग का बात, मेरा बात, तो इसीलिए हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। किसी का ऐसा हो रहा तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, क्या करने से भी सुधरे, मतलब हम मतलब ठीक लाइन पे चल पाएंगे, तो क्या पता मेरा लाइन क्या ठीक नहीं है, बेलाइन है न, क्या समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी मन करता बिल्कुल नहीं छोड़े, क्यों छोड़े, क्यों करें, बढ़ रहा फिर घट जा रहा। आज का ब्लॉग यहीं करते हैं, कल नए ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे, खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट तो आप लोग नहीं करते हैं मेरे को, गुड नाइट बाय।